Hello, this is Abhishek and you are watching MBBSdirect.com. Belarus is one of the popular destination for Indian students to pursue their MBBS course. तो बेलारूस इतने पॉपुलर क्यों है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में MBBS कोर्स के लिए? जो इसका जो एक रीजन ये है कि जो यहाँ पे MBBS कोर्स होती है दैट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. जो इंडिया में आप MBBS के कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ट्यूशन फीस लग रही है, जब आप कंपेयर करते हैं बेलारूस से, तो वहाँ पे MBBS के कोर्स की कीमत बहुत ही कम होती है. तो दैट इज द ओनली रीजन. तो आज हम बेलारूस की एक ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं विच इज वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बिथवेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि बिथवेस्क में स्थित है. और इस यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहा जाता है बेलारूस का, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी. एंड दिस इज अ 84 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन. एंड द गुड थिंग इज दैट दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. तो आइए इसके फैकल्टीज के बारे में भी हम जान लें. तो देर आर टोटली 5 फैकल्टीज इन दिस यूनिवर्सिटी. पहला है मेडिकल प्रिवेंटिव फैकल्टी, जिसके अंतर्गत आपको MBBS की पढ़ाई होती है. दूसरा है आपको फार्मास्यूटिकल फैकल्टी. तीसरी है आपको फैकल्टी ऑफ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट. चौथी जो फैकल्टी है दैट इज अपडेटिंग स्पेशलिस्ट. और पांचवी जो फैकल्टी है दैट इज प्री यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग फैकल्टी. इसके अलावा जो टीचर्स हैं यहाँ पे, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली ट्रेंड. तो जो टीचर्स और प्रोफेसर्स आपको यहाँ आपको मेडिकल एजुकेशन देंगे, तो दे आर हाईली ट्रेंड और वो सारे अपने डिग्री में या अपने फील्ड में मास्टर्स हैं. एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लें, तो आपको 12th में PCBE में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए. इसके अलावा नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी. जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इस इंस्टीट्यूट का, दैट इज इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो एज वेल एज बेलारूशियन लैंग्वेज ऑल्सो. इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की डिग्री कहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है, तो ये यूनिवर्सिटी से अगर आप MBBS की डिग्री ले रहे हैं तो ECFMG सर्टिफाइड है. इसके अलावा GMC जनरल मेडिकल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, वहाँ से भी ये मान्यता प्राप्त है. तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर आप ये यहाँ से MBBS करने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन USA से या UK से करना चाहें तो डेफिनेटली आपकी डिग्री वैलिड होगी. बेनिफिट्स क्या होगी अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? जो पहली बेनिफिट ये है कि FMG की जो पासिंग रेशियो है इस यूनिवर्सिटी की, दैट इज 26.2%. तो जब आप 3 साल या 4 साल का डेटा निकाल के देखेंगे FMG का, तो ये काफ़ी बेहतर है. इसके अलावा जो है इस इंस्टीट्यूशन में और इस इंस्टीट्यूशन से अटैच जो क्लिनिक्स है उसमें गुड पेशेंट फ्लो है. तो गुड पेशेंट फ्लो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो भी MBBS कोर्स में सीखते हैं, आप जब क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाते हैं या क्लिनिकल फेज में जाते हैं, तो आप जितने पेशेंट्स को देखते हैं उतना बेहतर आपका आपको बीमारी जो पकड़ने की क्षमता या बीमारी को समझने की क्षमता आपकी इम्प्रूव होती है. इसके अलावा जो इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन की क्वालिटी बहुत बेहतर है, और ये यूनिवर्सिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड एजुकेशन को फॉलो करती है. तो इसके तहत जो प्रोविजन है 10:1 की रेशियो बनाना, मतलब हर एक 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर रहेगा जो कि उनके एकेडमिक जो प्रोफिशिएंसी है उस पे ध्यान देगा. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग. इसके अलावा जब हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं, तो बिथवेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है दैट इज 3.5 लाख पर ईयर, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फीस एज वेल एज एकोमोडेशन भी इंक्लूड है. कोर्स की ओवरव्यू, जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है बिथवेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, दैट इज 6 ईयर्स. और 6 साल के बाद आपको जो डिग्री मिलती है उसका नाम है जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री आपको अवार्ड होती है. एकोमोडेशन और कैंपस की बात कर ले, तो जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हॉस्टल्स है, और हॉस्टल्स जो है दैट दे आर वेल फर्निश्ड. इसके अलावा आपको हॉट वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, वाटर और गैस की सप्लाई भी आपको मौजूद है. इसके अलावा ऐसे ये स्टूडेंट्स जो कि खुद कुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे किचन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. और जो बच्चे नहीं कुक करना जानते उनके लिए यूनिवर्सिटी की कैंटीन अवेलेबल, आप वहाँ जाके खा सकते हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपको गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जिमनेजियम है, इसके अलावा आपको जिम है, इसके अलावा वेरियस रिक्रिएशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पे कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में जाके एग्जर्सन से दूर आप वहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी टॉपिक पे रिलैक्स वे में डिस्कशन कर सकते हैं.
हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें कि विथवेक सिटी कैसी है, तो विथवेक सिटी जो है दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन बेलारूस। इसके अलावा इस सिटी को ट्रेड और फाइनेंस का हब भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में या आपके आपने जैसे कि नीट की एग्जामिनेशन दे दी है या आप अभी नीट की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर आप MBBS के लिए सोच रहे हैं तो विथवेक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको चूज करना चाहिए और इसके बारे में आपको पता करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन दे सकती है कम ट्यूशन फीस में। तो आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप MBBS डायरेक्ट के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से हमारे काउंसलर को फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।